गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर पर बिल्कुल ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज है वेडनेसडे, आज इनका ऑफ है। मैंने कहा आज जो जो काम है वो सारे के सारे आज निपटा देते हैं। सो हम लोग तो कल रात को ना टेम्प्टेड आइलैंड है, तो हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी है। तो हमारी फर्स्ट सीरीज है जो हम साथ में देखते हैं। तो कल इनकी बॉनफायर थी, हमने देखते देखते मतलब 4 बज गए। अभी हमारा और मन था देखने का, बट हमने कर नहीं है, हमें नींद आ रही है, हम सो जाते हैं। तो गाइस सुबह सुबह अभी उठे हैं, उठते ही सीधा कैमरा में गुड मॉर्निंग करने आ गए। अभी नीचे ही आए हैं, हमने कहा चलो पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद जो भी हमें दिन के काम करने हैं वो करेंगे। अभी ब्रेकफास्ट करके नहा धो के रेडी होके जल्दी से फिर निकलते हैं। मेरे को अपने बर्थडे की ड्रेस भी अपनी आज लेनी है, बिकॉज परसों तो आया 6 है ना, पता ही नहीं चला। आज बर्थडे की ड्रेस ले तो ली, आपने बोला था एक और दिलाऊंगा। हाँ वो बात अलग है, हमने बोला था एक और दिलाऊंगा, तो वो वाली ड्रेस है। अब देखते चलते हैं आज फिर उसके। अब मेरे पास फुटवेयर भी नहीं है कुछ भी मैचिंग वाले, ठीक है। तो अभी वो सब करना है, साथ साथ हम आपको अपडेट करते हैं। फिलहाल तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं। सो आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, आज बस पूरा दिन यही होता रहा कि मन में मतलब हमें बैठे रहे, टीवी देखते रहे, अपनी बातें बातें करते रहे। सो अब निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया। अभी बस रेडी हुए हैं एंड मंदू भी अभी रेडी हो गई है साथ साथ। एंड मैंने वेयर करा हुआ ये वाला सूट, मुझे मम्मी ने दिया था जब मैंने अपनी पहली रसोई करी थी, तब मम्मी ने मुझे ये वाला सूट दिया था। बहुत सुंदर सूट है, तो मैंने सोचा चलो आज ही वेयर कर लेती हूँ, आज जा ही रही है। सो अभी मन को कह के इसकी मैं फुल लुक आपको दिखा देती हूँ, बस एक बार वो रेडी हो जाए। अब चले चलो। सो अभी हम जा ही रहे हैं, बाकी देखते हैं आगे आगे जो जो होता जाएगा आपको हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। सो गाइस, हियर इज माय फुल लुक। सो ये वाला सूट है, बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो देखते मैं भी ना। आपको कैसा लग रहा है मनु? हीरोइन लग रही है मुझे। तो आज मैंने थोड़ा हेयर स्टाइल को चेंज किया, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने हेयर स्टाइल चेंज किया था तो मुझे बहुत से लोगों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दिए थे कि आप हमेशा हेयर स्टाइल चेंज करो। स्टिल ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, बाकी मुझे बताना कैसा लगा। और इसका दुपट्टा बहुत सुंदर है, हल्का भी है, बहुत अच्छा है। फिलहाल तो अभी जल्दी से निकलते हैं, बिकॉज बहुत लेट हो चुके हैं। मेरे को गुस्सा आ रखा है इस समय, मतलब दिखा नहीं पा रही, मैं कितने गुस्से में होंगी। चलो चलो कोई नहीं। चलो सॉरी, मैं अभी एक शॉप पे आए थे, वहाँ से तो एक ड्रेस ले लिया, भूल ही गए थे मनु ब्लॉग बनाना तो भूल ही गए थे। तो चलो लास्ट जब बिलिंग करवा रहे तो याद आया कि हमें एक लेना है। कर लो या ब्लॉग बना लो। हाँ यही चीज हो पाती, कभी कभी भूल ही जाते हैं। चलो पहले कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे ना। बाकी दिखाते हैं आपको चीज़। जी आया कुछ समझ? तो गाइस इस समय हम रजौरी गार्डन के मैडम में आए हैं। देखो जो जो समझ में आ रहा है कि बस सिलेक्ट कर लो ना, फिर एक बार ट्राई कर लेना भैया। एक तो वो ग्रीन जैकेट दिखाओ जरा, मीडियम साइज में। मुझे वो फ्रंट वाली हुडी भी बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा हाँ जी हाँ जी, साइज दिखाना इसमें कौन सा? साइज में मीडियम आ जाएगा। मीडियम आ जाएगा, स्मॉल या मीडियम? स्मॉल या मीडियम, ग्रीन और वाइट? ग्रीन में वाइट, ग्रीन वाइट, बेज है, वाइट भी नहीं है। हाँ वाइट नहीं है, बेज और ग्रीन। हाँ इसमें स्मॉल साइज दिखा दो, मीडियम स्मॉल जो भी है। अच्छा ये वाला कोट सेट मुझे अच्छा लगा। ये गाइस तो ना घर में पहनने के लिए बहुत बढ़िया कोट सेट है, वुलन है पूरा। और वो ड्रेस कहाँ है? एक ये ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है। ये भी मत दिखाओ, अगर ये बर्थडे के लिए फाइनल हो गई तो नहीं दिखानी है। ये कोट सेट तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये ना टॉप स्मॉल में आ गई, टाइट हो रहा है। अच्छा ये मीडियम वॉर्म है और अच्छा भी लग रहा है काफी, फिटिंग बहुत बढ़िया और बहुत प्यारा लग रहा है। चलो साइज ट्राई कर लो। गाइस अभी भी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई है। एक ये वाला पसंद है भैया, इसमें मीडियम देख लो साइज। अगर मिल जाते तो फिर तो ना वही डन कर लूंगी। बर्थडे ड्रेस तो हो गई है डन यहाँ से। बर्थडे ड्रेस तो गाइस डन हो चुकी है, और एक आधा टॉप भी पसंद आया वो भी डन हो चुका है। लूज है, लूज है, मजा नहीं आया। फिर वाली में देखती हूँ, अरे वॉर्म भी नहीं है मनु।
अच्छा वॉर्म भी नहीं है, डेनिम जैकेट है ना, डेनिम भी मोटी वाली नहीं है, ये वॉर्म बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मतलब वो है शॉप के लिए ना। गाइस फर्स्ट टाइम मैं ऐसे आया हूँ, अब मुझे पता बैग्स मुझे उठाने पड़ेंगे, मगर कोई बात नहीं, बीवी के साथ शॉपिंग का भी अलग ही सुख है। कल मिल जाएगा, मतलब मैं अरेंज करवा दूंगा, मंगवा दूंगा, इधर बिलिंग करवा लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे कर लेते हैं, तो एक दिखा। तो शॉपिंग तो हो गई है और सारी शॉप्स बार बंद हो गए हैं, मनु शॉप्स बार बंद हो चुकी, भूख लग रही है, देखते सोनी बेकर्स खुला है, मेरे को बहुत भूख लग रही है, टाइम लग चुका 3 घंटे और अभी तक 3 घंटे झूठे हाँ, ये रहा अतुल चाट वाला, अभी भी शॉपिंग कम्प्लीट नहीं हुई है, 50% हुई है, तो मैंने इनको ये बोला कि फिर कभी कर लेना, बर्थडे की ड्रेस हो गई है, बाकी छोटा मोटा और ड्रेसेस थी वो ले ली है, एक हमारी ड्रेस अभी पेंडिंग है, बिलिंग कर दी है, वो वहाँ आ जाएगा, वो हुडी ऑर्डर हो जाएगा, और जो भी बाकी रहता है ठीक है, बस वाइफ के अंदर पहली बार मैंने ऐसे करा, बट इसमें भी अलग ही स्वाद है गाइस, अपनी वाइफ को खुश रखोगे तो आप लोग खुश रहोगे, हमेशा बस ये ध्यान रखना। चलो तो हमने यहाँ से अतुल चाट से लिया है पाव भाजी, मैंने कहा मनु आज यहाँ से ट्राई करो, अतुल चाट इतने फेमस है यहाँ वाले, और ये यहाँ के अतुल चाट के ना खाओ, नहीं बहुत इसकी टेस्टी होती है, मम्मी और मैं बहुत खाते थे यहाँ पे, जब भी हम आते थे ना ये जरूर खाते थे यहाँ पे, कभी भी आओ अतुल चाट पे पहले मत डरो। सो गाइस मैडम की डिमांड है आलू चाट है, पाव भाजी तो इतनी इतनी बढ़िया थी, अब आलू चाट देखते हैं मैडम की डिमांड पे आए हैं, परी की याद आ गया, आबू आबू करती रहती है ना, आबू हमारी परी आलू को बोलती है आबू आबू, ये उसके आबू चाट गरम है बहुत, परी होती है परी तो छोड़ती है ना आबू को, वो भैया उसको कैसे बनाते, पहले मसाले वाले नहीं देते, प्लेन देते हैं ना? अच्छा हाँ, मैंने उसमें उस दिन गई थी ना नाशपत नगर उनके साथ, तो लिए थे उन्हें प्लेन दिए थे परी को। चलो गाइस बताते हैं पूजा की डिमांड में आए कैसे हैं, देखते हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ ये वाले, अभी बस बाहर से आए थे तो पापा जी भी साथ साथ आए गए थे, हमने कहा चलो साथ में कॉफी पीते हैं, और ठंड कितनी है बाहर, हाँ मैं तो खुद कांप गई आज तो, मैं हाँ बस कॉफी बनाई है, कॉफी पी रहे, कॉफी की चुस्कियाँ सही है, बस अभी पीते हैं हम लोग, बस अभी आए थे ऊपर और अपना ये देख रहे थे जियो सिनेमा पे टेम्पटेशन आइलैंड का आइलैंड, तो आज बनी हुई है घर में सब्जी, मटर पनीर की सब्जी बनी है, और मम्मी ने आज ये अचार बनाया, बहुत मिर्च का अचार लेके नहीं है, नहीं नहीं वो नहीं लाए, वो तो बढ़िया अचार वो मैंने कहा चलो ये वाला ये खा लेते हो आज, आप नया था ना ये वाला, हाँ जी हाँ जी, तो इसी वजह से चलो कर लेते डिनर, हाँ थोड़ा लेट ही कर रहे हैं हम डिनर, बस पाव भाजी खा के आए थे पेट भरा हुआ था तब से। गाइस हम लोग ऊपर आ ही चुके थे, तो मैंने कहा आप लोगों को ना मैं दिखा दूंगी क्या शॉपिंग करके आया वहाँ पे, ना क्या हुआ था हम लोग ना मतलब शॉपिंग में इतना वो हो गए हम ज्यादा ज्यादा ब्लॉग शूट करना भूल गए, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं अब आके दिखा दूँ, एक ये जो पसंद की है ये मनु ने पसंद करी है, ये है ऊपर से ऐसे शर्ट है शर्ट, एंड इसके बाद इसके ऊपर इसकी लुक कैसे आएगी पूरा कंप्लीट दिखाओ, वो बाद में जब मैं वियर करूंगी ना ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा गाइस, ऊपर शर्ट के ऊपर ये आएगा हाफ स्वेटर, और इस बेल्ट है, ये जो अपना गैप है ये वाला, इसके अंदर बेल्ट्स आएंगी, ये ऐसे बेल्ट आएगी, तो ये इसका लुक ऐसी है, बहुत बहुत सुंदर लग रहा था जब मैंने हाँ, और इसके नीचे जीन्स और लॉन्ग बूट आएंगे ब्लैक हाँ, तो बहुत अच्छा लगेगा, तो ये मनु की पसंद की है क्योंकि मैं मतलब ऐसे थोड़ी कम वेयर करती हूँ, नहीं नहीं गाइस ये तो मेरी पसंद है प्योरली, मोस्टली कपड़े मनु की पसंद की आ रहे हैं, मेरी बर्थडे ड्रेस भी उसमें थोड़ा हाइट करी देती हूँ, वो भी मनु की पसंद की है, तो एक ही ड्रेस हमने लास्ट टाइम ली थी, लास्ट टाइम ना मैंने शो नहीं करी थी, मुझे लगा था ये हम बर्थडे पे पहनेंगे तो ना शो करो, बट अब ये बर्थडे पे नहीं पहनते तो मैंने कहा चलो इट्स ओके मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 18+ से लिया था, सो ये ऐसा टॉप है, इसकी डैजल लेस लगी हुई है, वेरी प्रिटी प्रिटी, देन इसके साथ ये इसकी स्कर्ट दे रखी है, तो गाइस ये तो बहुत मना कर रही थी मगर मैंने जिद कर दी, नहीं मुझे ऐसा हाँ, ड्रेस बनानी है हाँ, सो मनु ने कहा कि ये वाली वेयर कर दे, पहले ही कहे थे बर्थडे पे वेयर कर ले, बट मैंने कहा नहीं बर्थडे पे
ये वैसे कभी आप पार्टी वार्टी पे हाँ ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कट है, मुझे लग रहा था थोड़ा ऊपर हो गया, अच्छा नहीं लगता फिर ऐसे ना। तो मैंने कहा कोई नहीं, ये वाली अब हम तब वेयर कर लेंगे जब हम पार्टी में जाएंगे ना। हाँ जी हाँ जी, तभी वेयर कर लेंगे। तो ये हमने दोनों नोटिस करे, दोनों देखो सेम सेम आ गई है। वो अलग हाँ, चीज है, वो अलग है। और गाइस पता है मतलब मैं गई मार्केट में, मोस्टली जो चीजें मुझे पसंद आ रही थी ना, इधर दे आर ब्लैक और व्हाइट बस। हाँ ये दिक्कत थी। एक ड्रेस मुझे इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी, मतलब उसको ना मैं विक्टोरियन टाइप में वो वैसे बहुत एलिगेंट थी, विक्टोरियन मुझे भी पसंद आई थी। वो बहुत बहुत प्रिटी ड्रेस थी, उसमें बो बना था, पर दोनों वही शेड वेयर नहीं कर सकती, व्हाइट एंड ब्लैक। मोस्टली विंटर कलेक्शन आप लोगों को पता है व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लैक तो मतलब मस्ट है। ये मैडम में भी मुझे जैकेट पसंद आई थी, बालकर जैकेट, मंदु को भी पसंद आई थी, अगेन ब्लैक, कुछ नहीं कर सकते थे हम। सो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो हमें पसंद आया वो हमने ले लिया। और मम्मी ने भी बोला हुआ था मुझे कि तुझे कुछ पसंद आए तो तू कुछ जो भी होगा पसंद कर लियो। तो एक चीज मुझे पसंद आई थी, तो काकू कह रहा था कि मैं कल जाके वो ले आऊंगा, वो गिफ्ट करेंगे। बाकी ये तो ड्रेस है, बाकी आपको दिखाई दे नहीं, ये तो दिखाओ ड्रेस, दिखा दो ना बर्थडे पे, परसों तो आएगी। चलो एक झलक तो दिखा दो गाइस को, वो कहेंगे तो कलर में क्या है, ड्रेस सुनना पता चलेगी। पूरा वैसे ही देखे तब सही है, थोड़ा सा कलर दिखा दो फिर ना वो लुक थोड़ा पता चल जाता है। अब एकदम से ना उनके लिए सरप्राइज होगा। और लास्ट में मुझे हमारे यूट्यूबर फैमिली ने ही बोला था कि आप पहले रिवील कर देते तो हमारी एक्साइटमेंट कम हो जाती है। चलो नहीं, अब मैं नहीं बताया करूंगी। कोई नहीं, हमारी फैमिली ने बोला है तो नहीं करेंगे। हाँ तो फिलहाल तो ये वाली दो ड्रेसेस है, बाकी अब जैसे लेंगे अब आपको। तो गाइस कमेंट्स में जरूर बताना कौन सा कुछ। तो गाइस बर्थडे की ड्रेस इसके अंदर है। बस अब मैं जाती हूँ सोने के लिए, बहुत जोरों की नींद आ रखी है। इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग है करते हैं यहीं पे हैं। सो आई होप आपको हमारा आज वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।